12 सितंबर है और मैं बहुत दिनों के बाद फिर से एक बार अपने मित्रों के साथ कुछ बातचीत करने बैठा हूं। कल 13 तारीख से लेकर 28 सितंबर तक इस देश में हिंदुओं के बीच पौराणिकों के बीच एक पुरानी परिपाटी के अनुसार श्राद्ध का अनुष्ठान होगा और पितरों को श्राद्ध होगा, अर्थात जो मर चुके हैं ऐसे माता पिता बुजुर्ग जिनको भी वो याद करना चाहते हैं उनको याद करके ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे, दान दक्षिणा देंगे। इस प्रकार से वो उम्मीद करेंगे कि उनका दिया हुआ सारा सामान या जो भी बातें हैं वो उन तक पहुंच जाएंगी, एक तरह का मनियाडर हो जाएगा उन्हें। लेकिन इस अंधविश्वास के खिलाफ महर्षि दयानंद ने बहुत पहले विद्रोह किया था और कहा था कि मरे हुए माता पिता या बुजुर्गों का कोई श्राद्ध नहीं होना चाहिए, बल्कि जो जीवित हैं उनकी सेवा करनी चाहिए, वो है असली श्राद्ध। जब भी हमारे समाज में कोई बड़े बुजुर्ग की मृत्यु हो जाती है तो कुछ दिनों के बाद 2-4-10 दिन के बाद उनकी श्रद्धांजलि सभा होती है और दिन बहुत बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं, उनको याद करते हैं। ऐसे मौके पर जब भी मुझे बोलने के लिए कहा जाता है तो मैंने हर बार ये सुझाव दिया कि मरने के बाद आप लोग इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठे होकर के उनको याद करते हैं, क्या ही अच्छा हो कि उनके जीते जी 1-2 साल पहले या 4 साल पहले आपने इतनी बड़ी सभा करके उनको थोड़ा सा उत्साहवर्धन किया होता, काफी संभावना थी कि वो 6 महीने और जी जाते। लोग मरे हुए को याद करके उनको खूब ज्यादा श्रद्धांजलि देंगे, लेकिन जीवित को जिस प्रकार से श्रद्धांजलि देनी चाहिए बैठा करके उनके गुणों को याद करके उनके समाज के प्रति सेवाओं को याद करके, यदि इस प्रथा के ऊपर हम लोग अमल करें तो शायद इसका ज्यादा लाभ होगा और ये वेदों के अनुसार होगा, महर्षि दयानंद के सुझाव के अनुसार होगा और इसी को ध्यान में रख करके शायद मेरे मित्रों ने ये तय किया है कि आगामी 21 सितंबर को, ये जो 21 सितंबर आने वाला है और शनिवार का दिन है, उस दिन अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस भी है, विश्व शांति दिवस, इंटरनेशनल डे फॉर पीस, और संयोग है कि वो मेरा जन्मदिन भी है और इस बार 80वां जन्मदिन है, 80 साल मेरे पूरे हो जाएंगे, 81 में मैं प्रवेश करूंगा। इस सब को ध्यान में रख करके मेरे मित्रों ने ये कार्यक्रम रखा है दिल्ली के ITO के पास प्यारेलाल भवन में सुबह 10 बजे से लेकर 1:30 बजे तक, वहां मेरा श्राद्ध किया जाएगा। ये एक बात होगी जो थोड़ा लीक से हट करके होगी, मेरे मरने के बाद पता नहीं होगा या नहीं होगा, मेरे जीते जी मेरा श्राद्ध होने जा रहा है 21 सितंबर को शनिवार सुबह 10 बजे से लेकर 1:30 बजे तक। जब मुझे ये सुझाव दिया गया कि हम आपका श्राद्ध करेंगे, आर्य समाज के जो हमारे सार्वदेशिक प्रधान हैं सभा के स्वामी आर्यवेश जी ने और उनके साथियों ने, बंधुआ मुक्ति मोर्चा के साथियों ने, धर्म प्रतिष्ठान के साथियों ने और भी तमाम लोगों ने, तो मैंने उनसे एक बात कही और वो ये कि व्यक्तिगत रूप से मेरा श्राद्ध करने की कोई खास बात नहीं है, मैंने जिन मूल्यों की लड़ाई लड़ी, संघर्ष किया, उनको ध्यान में रखते हुए एक नया अध्याय, एक नया आंदोलन अभियान छेड़ा जाए जिसकी आज केवल भारत को नहीं सारी दुनिया को जरूरत है और वो है वसुधैव कुटुंबकम। जितनी संकीर्णता है, सांप्रदायिकता है, जातिवाद है, भेदभाव है, ऊंच नीच का है, अमीर गरीब का है, इन सारी चीजों के खिलाफ यदि एक साथ हमें खड़े होना है तो हमें ये मान के चलना पड़ेगा कि एक है ईश्वर, एक ही है मानव परिवार और एक ही मानव परिवार इसलिए है कि एक है संसार, एक है ईश्वर, एक संसार और एक ही है मानव परिवार और इसलिए आइए हम सब मिलकर के बनाए एक विश्व सरकार। ये सारी बातों को जोड़ते हुए एक सोशियो कल्चरल स्पिरिचुअल एक एजेंडा जिसको एक छोटे से दायरे में समेट के हम कह सकते हैं वसुधैव कुटुंबकम, द यूनिवर्स इज ए फैमिली, पूरी दुनिया, पूरा संसार, पूरा जगत एक परिवार है और हम सब इसके बराबर सदस्य हैं
क्योंकि हमारे निर्माता मालिक या जो भी शक्ति जिसको हम जिस रूप से जाने, अल्लाह खुदा गॉड वाहेगुरु सतनाम कुछ भी नाम दे, वो एक है और हम सब उसकी बराबर संतान हैं। हमारे बीच में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए और इसी बात को रेखांकित करता है जो संयुक्त राष्ट्र का मानवाधिकार प्रपत्र है, घोषणा पत्र है। उसने 1948 में ये बात कही थी कि सभी दुनिया के इंसान बराबर पैदा होते हैं, ऑल ह्यूमन बींग्स आर बॉर्न इक्वल। लेकिन ये सच्चाई नहीं है, सच्चाई ठीक उल्टी है। पैदा होते कोई ऊंच हो जाता है, कोई नीच हो जाता है जन्मना जातिवाद के धरातल पर, कोई बहुत अमीर हो जाता है, करोड़ों अरबों का मालिक हो जाता है पैदा होते ही, और कोई बिल्कुल बंधुआ मजदूर पैदा होता है अपने बाप का कर्ज लेकर के। तो इस प्रकार से मैं देखता हूँ कि समाज में बेटा बेटी तक में भी फर्क किया जा रहा है कि बेटी होने को लोग पसंद नहीं करेंगे, उनको तो बेटा चाहिए, पता नहीं क्यों चाहिए। यदि बेटियां ना होती तो कहां से आते बेटे और कहां से आते राम और कृष्ण या शिवा या कोई भी कहां से आता। लेकिन लोगों के अंदर एक प्रकार एक गलत संस्कार डाल दिए गए हैं, सन प्रेफरेंस जिसको कहते हैं, कि बेटा चाहिए और कहीं बेटी ना हो जाए इसकी तलाश में वो अल्ट्रासाउंड करा करा करके एक नहीं दो नहीं लाखों क्या करोड़ों बेटियों को मां के पेट में ही कन्या भ्रूण हत्या का अभिशाप पूरे देश में समाज में फैला हुआ है। इन चीजों के खिलाफ भी हमने लड़ाइयां लड़ी हैं, इसलिए इस बार जो हमारा 21 सितंबर का कार्यक्रम है, 80वां जन्मदिन है, लेकिन उसके साथ साथ वसुधैव कुटुंबकम विश्व शांति दिवस के मौके पर बड़े जबरदस्त तरीके से उसका हम सूत्रपात करेंगे, उसकी शुरुआत करेंगे और उस समय समाज के सभी गणमान्य सभी धर्म मजहब संप्रदाय से जुड़े हुए लोग भी होंगे, हमारे मुक्त बंधुआ मजदूरों की बहुत बड़ी संख्या होगी वहां पर 700-800 हजार के लगभग, और वहां पर हम लोग इन चीजों के लिए प्रतिबद्ध होंगे, संकल्पवान होंगे, संकल्पित होंगे कि आओ हम सब मिलकर के एक नया समाज बनाएं, उसमें किसी भी प्रकार के कट्टरवाद की जगह न हो, धार्मिक अंधविश्वास और पाखंड की जगह न हो, उसमें किसी भी प्रकार से नशे के लिए कोई स्थान न हो, नशा मुक्त समाज बनाए, शोषण मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त समाज। अर्थात एक तरह हम देखें तो सप्त क्रांति के जो मुद्दे हमने सर्वधर्म संसद के माध्यम से, सर्वधर्म संवाद के माध्यम से चुने थे, वो सब के सब हम उसको वसुधैव कुटुंबकम का एक विधिवत एजेंडा लेके चलेंगे। और एक ईश्वर की उपासना का मतलब होना चाहिए कि ईश्वर के गुणों का ध्यान करो, और ईश्वर के गुणों में सबसे प्रमुख जो गुण है वो ये सत्य है, प्रेम है, करुणा और न्याय है। ईश्वर की उपासना करनी है तो सत्य की करो, प्रेम की, करुणा की, न्याय की, और इन मूल्यों के लिए संघर्ष करो, इन मूल्यों को सारी दुनिया में फैलाओ, असत्य से लड़ो, घृणा से लड़ो, हिंसा से लड़ो और अन्याय से लड़ो, जहां कहीं भी तुम्हारी ताकत इनको चुनौती दे सकती है उसके लिए खड़े हो जाओ। ये है संदेश हमारे वसुधैव कुटुंबकम का। प्रतिदिन घंटा आधा घंटा अपने शांति के साथ बैठ करके किसी घर के कोने में या पेड़ के नीचे बगीचे में आप ध्यान करें, अपने अंदर जाएं, अपने अंदर सत्य की ताकत को और अधिक मजबूत करें, प्रेम की, करुणा के, न्याय के संकल्प को खूब तेजी से मजबूत करें, और इस प्रकार से सप्त क्रांति के किसी एक मुद्दे को, दो मुद्दे को, चार मुद्दे को लेकर अपने जीवन को समर्पित करें, ताकि पूरी दुनिया में शांति, पूरी दुनिया में भाईचारा बढ़े, कट्टरवाद मिटे। कट्टरवाद ने ISIS के नाम पर जो मारकाट मचाई दुनिया के अंदर, तालिबान के नाम पर जो मचाई है, अलकायदा के नाम पर, जैश ए मोहम्मद के नाम पर और लश्कर ए तैयबा के नाम पर, और हमारे अपने देश में हम देख रहे हैं कि RSS वालों ने जिस प्रकार के हिंदुत्व का एजेंडा लेकर के और घृणा नफरत पैदा कर दी है मुसलमानों के खिलाफ, ईसाइयों के खिलाफ और दलितों के भी खिलाफ, इस प्रकार की चीजें नफरत की, घृणा की, हिंसा की बंद होनी चाहिए, भेदभाव की दीवारें टूटनी चाहिए, जातिवाद मिटना चाहिए, अंतर जातीय विवाहों को, अंतर धार्मिक विवाहों को बढ़ावा देना चाहिए। हम कोशिश करेंगे कि उस मौके पर हम 2-4-10 जोड़े जिन्होंने अंतर धार्मिक, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर देशी शादियां की हैं उनका हम अभिनंदन करेंगे,
मुक्त बंधुआ मजदूर जो आगे चल करके काफी आगे बढ़े हैं और उन्होंने दूसरे बंधुआ मजदूरों को भी आजाद कराने का काम किया है, ऐसे लोगों का भी हम अभिनंदन करेंगे। कहने का मतलब है कि समाज के अंतिम से अंतिम व्यक्ति को याद करते उसके प्रति एक बार फिर समर्पित होकर के हम ये 21 सितंबर का कार्यक्रम इस अंदाज से मनाएंगे ताकि आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए, एक स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों के लिए एक कार्यक्रम हो, वहाँ ऐसे गीतों का आयोजन होगा, हो सकता है ऐसे नाटक का भी हो, और कुल मिलाकर के इस संदेश को वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया एक मानव मात्र एक परिवार है और हमारे बीच में केवल मनुष्य मनुष्य के लिए हम प्रेम और भाईचारा नहीं कह रहे, जितने कीट पतंग से लेकर के पशु और पक्षी प्राणी उन सब के प्रति भी हमारे मन में करुणा होनी चाहिए, उनको भी अपने एक व्यापक परिवार का हिस्सा मान करके चलना चाहिए और इस तरीके से हम मांसाहार से दूर हटकर शाकाहार की तरफ बढ़े, शाकाहार को अपनाएं इस तरीके के लिए कि ताकि हम स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और पूरा पर्यावरण, जितना क्लाइमेट चेंज का पूरा संकट छाया हुआ है उससे भी हम निजात पा सकें। तो दोस्तों और साथियों आइए, आपको फुर्सत हो तो 21 सितंबर प्यारेलाल भवन सुबह 10 बजे से पहले आ जाएं और 1-1.30 बजे तक समाप्त हो जाएगा कार्यक्रम, के बाद थोड़ा भोजन आदि का कार्यक्रम होगा और फिर आप अपने घरों को लौट सकते हैं, और इस तरह का यदि 21 को नहीं आ सकते हैं तो अपनी जगह जगह पर वसुधैव कुटुंबकम का जरूर बीड़ा उठाएं। 100 लोग, 500, 1000 लोग, स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राएं इकट्ठे होकर के इस आयोजन को करें, यूनिवर्सिटी के लोग करें, जहां जहां भी नौजवान पीढ़ी एक आगे बढ़ने का संकल्प ले सकती है उसको इन मूल्यों के खातिर समर्पित होकर के आगे बढ़ना चाहिए ताकि हम एक नई दुनिया बनाएं जिसमें कोई घृणा न हो, हिंसा न हो, मारकाट न हो, किसी भी प्रकार का कोई युद्ध की भी संभावना न हो और पूरा विश्व मिलकर के एक सरकार बनाए, एक धरती का घोषणा पत्र अर्थ कॉन्स्टिट्यूशन बल्कि एक संविधान लेकर के चले। हमारे पास वो भी तैयार है और वर्ल्ड गवर्नमेंट का ढांचा भी तैयार है, हम विश्व नागरिक बनाने की तरफ, बनने की तरफ और बनाने की तरफ सोचें, ये एक विचार है, आशा है कि आप लोग इसको थोड़ा अपने जीवन में उतारेंगे और इसका पूरा का पूरा लाभ अपने आप को और पूरे समाज को दिलाएंगे। धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद, नमस्कार।